मैं पॉडकास्ट में गया हूँ किसी में मैं इंटरव्यू में गया हूँ किसी में या मैं कहीं जनरल मीटिंग में गया हूँ मेरे को हर जगह मतलब ही बुलाते हजल टू पॉइंटो का विनर एमसीटो का विनर एमसी स्पायर तो मैं बड़ा ऐसा फील करता था मैं यार उससे पहले भी तो था मैं एम सी स्पायर एकदम से नाम चेंज की हो गया हसल टू हो गया। हसल, टू गया। हसल टू मैं जीता जो एक ट्रॉफी थी था अच्छा अच्छा लगा जीते, अच्छा लगा बहुत मैं सिर्फ वो नहीं हसल टू गया। तो आज मेरे साथ से रापर हैं जो गाने तो बनाते लैंग्वेज में लेकिन उनके गाने पूरा इंडिया सुनता है For me, a true of DHH, जैसे अपनी

भाई आपने राम राम जो है ना राम राम पूरे इंडिया में पॉपुलर कर दिया शुक्रिया शुक्रिया मतलब मैं आपको बताऊँ देखिए सही बात मतलब मैं पर्सनली क्योंकि मैं हरियाली हिप हॉप मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा क्योंकि भाषा का बड़ा बैरियर आ जाता है पंजाबी हिप हॉप फिर भी ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा इधर उधर से उनके समझने की कोशिश करते हैं बट मुझे ऐसा लगता है शायद ये हमारा भी एज अ लिसनर भी स्टीडियो है कि यहाँ पे भी थोड़ी ज्यादा रीजनल लैंग्वेज आती है हम उससे थोड़ा हट जाते हैं लेकिन आपकी आपकी वजह से पूरी इमेज अब वो चेंज हो गई है और एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है कैसा लगता है भाई जब आप ये ये होते हो वो देखते मतलब एट द एंड अच्छा लगता है वही जैसे आपने बोला कि देसी देसी हिप हॉप में जो जो है है वो लाना जरूरी मतलब अपना की टच है, टच है जो अपना वो लाना जब जरूरी है और मैं ये देख रहा हूँ की रीजनल ना काफी आजकल मतलब बढ़िया होता जा रहा है सीन रीजनल का मतलब रीजनल हिप हॉप आगे बढ़ रहा है रीजनल वैसे भी म्यूजिक लगा लो मूवी लगा लो सब चीज आगे बढ़ रही है मतलब आप देखोगे एक एक दो बंदे है बाहर के मतलब भोजपुरी में भी काफी अच्छा काम कर रहे है ना सुनता हूं। दर दर के, और ने तो मतलब बढ़िया तो 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 लगता है यार हाँ यार मतलब ये रूट्स की बातें अपनी लैंग्वेज में करने में मजा आएगा ना मतलब समझ रहे भाई की जैसे अब बाहर के लोग है वो ब्लैक्स हैं तो वो अपना स्लैंग्स यूज करते हैं अपने उड़ की बातचीत करते हैं अपने अपने जो स्लैंग्स है जो शायद मे भी बाहर के उनको समझ समझना आए बट अब जैसे ये था कि बाहर का कोई रैपर है उसने एक ऐसा स्लैंग यूज कर लिया जो हमको नहीं पता बट हम उसे सर्च करेंगे हम उसे ढूंढेंगे कि उसका मतलब क्या है तो एट ये होना चाहिए कि जैसे अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा रीजनल हिप हॉप रीजनल वो बोला क्या जा रहा तो सर्च करो क्यूरियस अगर बंदे रहेंगे इस चीज के बारे में तो वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा रीजनल हिप हॉप तो बस यही है बढ़िया लगता है नहीं वही वाली बात है ना भाई की क्या होता है वो क्यूरियोसिटी भी देखिए जैसे कि हम लोग जब बाहर का हिप हॉप सुनना शुरू करें तो हम लोग को बहुत सारे आज कर तो इतने स्लैंग्स होते हैं समझ नहीं आते लेकिन हम सोचते हैं यार इसने ये चीज इसने ये चीज बोली तो इसका मतलब क्या हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट जैसे आप जैसे आर्टिस्ट हैं वो अब ऐसा म्यूजिक बना रहे हैं वो इतना मासी म्यूजिक है कि भाई हमें खुद से आगे समझने का मन कर रहा है कि भाई इन्होंने क्या बोला है ना वो इतना

उसका गाना फटा और फिर मतलब उससे पहले फिर फटाता डांडा भाई का एक गाना फटा था डांडा भाई का भी बहुत तगड़ा गाना फटाता है <laughs> तो मतलब हरियाणा के पॉप काफी फट रहा है बढ़िया लगता है देखकर हरियाणा के भी ना काफी मतलब बंदे उसके बाद मैंने जाने हैं ऑनेस्टली बताऊ मतलब उससे पहले मैं मैं भी नहीं जानता था क्योंकि हमारी रेडार में था ही नहीं हमें पता नहीं चलता था कि और कौन है हरियाणा से लेकिन अब जब धीरे धीरे फट रही है ना हरियाणा की चीजें तो मेरे को काफी चीजें देखने को मिल रही है हरियाणा में ये भी है ये आर्टिस्ट भी है ये आर्टिस्ट भी है ऐसे ऐसे काम हो रखे मतलब हरियाणा में जो बाद में पता चलता है अभी मेरे मेरे दो दोस्त है उनका भी एक गाना काफी अच्छा चल गया था नैन और मोहित हो उनका से चल गया था फोक हरियाणा फोक था उन्होंने बहुत खूबसूरत काम करा और जब वो मेरे मतलब मैंने सुना ना पहली बार मैंने कहा भाई ये गाना निकालो फटाफट मैंने कहा ये गाना तुम तो देखना भाई ये गाना दिल में बसने वाला गाना है इसमें जो बातें बाते करी है क्योंकि हरियाणा हिप हॉप हो रहा है हरियाणा आइटम बन रहे है, ए, ए, बन रहे मतलब लोकगीत भी काफी बट ऐसा कुछ जो उन्होंने बनाया ना मैंने कहा भाई ये निकालो ये सूद है मतलब सुनने में ना काफी और चाहे ऊपर से कितना भी कोई हार्ड बने मतलब भाई मैं तो सख्त आदमी हूँ मैं तो हरियाणा से हूँ तो आई मैं तो आई एज ए बट अंदर से जो दिल है ना वो दिल तो सिर्फ एक ही सही बात है ना तो, तो उन्होंने वो चीज़ ये गाना, निकालो, ये गाना चेंज करेगा सीन। तो निकाला काफी अच्छा चला वो गाना बढ़िया लग रहा मतलब वो गाना भी भाई, वो गाने ने भी भाई वही असर करा कि मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मुझे तो किस्से का मतलब भी नहीं पता था मुझे किस्से का मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई एक एक गाना प्लीज सुनना तो मुझे अच्छा लगेगा मैंने सुना मुझे समझ नहीं आया लेकिन जो उन्होंने जो कंपोज करा था मैंने कहा ये तो भाई समझना पड़ेगा मुझे कि ये क्या इन्होंने गाया है इतना खूबसूरत हरियाणा की भाई मुझे खूबसूरती ये लगती है कि वहां के लोग अभी भी बहुत ज्यादा रूट से जुड़े हुए हैं तो, तो वो जब वो बातें गानों के थ्रू आती है तो कहीं ना कहीं जो आपने बात बोली ना कि यार वो चाहे जितना भी हार्ड बन जाए दिल में तो यार शांति चाहिए तो वो जो म्यूजिक का मेन पर्पस है शांति देना मुझे लगता है हरियाणा में हरियाणा से बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मतलब ऐसा, ऐसा yes. कर रहे हैं लोग आर्ट को और हरियाणा के आर्ट को मतलब जो भी रीजनल चीजें है उनको अब एक्सेप्ट कर रहे हैं वो नहीं अब उनको नकार नहीं रहे कि मतलब से कि यार देसी है ये तो वो है ये तो मतलब अब अच्छा लगता है मतलब

समझ रहे भैया और ऊपर से है रक्षाबंधन का टाइम तो मेरी सारी बहनें आ रही है और घर घर मेरे घर पे ना मतलब हम सात भाई है अच्छा। बट सात से कोई भी नहीं है राइट ना मेरे अलावा घर इधर से उधर काम में लगे हुए है, मतलब सब इधर से उधर गए हुए हैं कोई गाँव गया हुआ है कोई भाई काम कराने के लिए कोई भाई अभी जॉब पे है तो मैं फिलहाल ना मैं लल्ला बहता हूँ मतलब मैं घर पे और अभी क्या है दिल्ली से बहन को लाना है अच्छा पापा मेरे को कॉल पे जी हाँ जाना है मैंने कहा पिताजी की मैं, पिता मैं यार थो <laughs> तो यार थोड़ा सा तो, ये अभी की बात है क्या जब आप अभी गए थे बात करने के लिए अभी अभी क्या अभी मैं मतलब मेरी नीस है भतीजी है मेरी वो प्ले स्कूल में पढ़ती है वो गई हुई थी तो मैं उसको लेने जाना जरूर था क्योंकि घर पर कोई है नहीं और उसको लाए कौन स्कूल से पिताजी का कॉल आ रहा है पिताजी कहीं पिताजी का कॉल आ रहा है कि भाई उसे ना सवा बारह बजे लेके आ जाना मैंने है, मैंने कहा ठीक ठीक है है बोल दिया पर मुझे बाद तो, आ आ मुझे, मुझे पता है, मुझे पहला आर्टिस्ट ऐसा मिल रहा है बात करने के लिए जिसमें मुझे फील हो रहा है कि भाई वो अभी भी वही आदमी है मतलब जिंदगी मतलब क्योंकि भाई देखो हासिल का विनर अपने में एक इतना बड़ा मुकाम है ठीक है लेकिन ऐसा लगता है ना मन में जो एक कैरेक्टर बन वही है उसके पास कोई टाइम नहीं होता रियल जिंदगी से तो कोई लेना देना ही नहीं है तो भाई ये सु, ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं भाई वो भी नॉर्मल आदमी है जब गाने बनाने गाने बनाता बिल्कुल है।, बिल्कुल है अभी त्योहार चल रहा है तो त्योहार वाला समय घर पे है बिल्कुल मतलब ऐसा ही है कि यार घर को छोड़ कहा चले जाएंगे ये जो मेरा संगीत आ रहा है कहीं कुछ भी आ रहा है अगर मैं रियल चीजें लिखूंगा तो यहीं से मिलेगी रियल होने से वो ऐसे तो मिलेगी नहीं अगर मैं कोई ऐसे कहूंगा मैं अपने अब मेरे को सोचो कोई काम नहीं है और मैं घर पे बोल हूँ तो यार मैं तो बहुत हूं, मैं तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा तो ऐसा सा लगता है कि यार नहीं नहीं यार घर के काम भी तो करने ही है अब अगर मैं नहीं जाता वहां पे तो कोई नहीं होता घर पे फिर कह, कहाँ से क्या किसी और को भेजते किसी दूसरे को कहीं इधर उधर से मांग के तो फिर वो मैंने कहा यार, मैं कर सकता कर दूंगा मैं घर पे ही तो ऐसा ही अच्छा भाई ये बताओ एक एक और सवाल मैंने आपसे सोचा था स्टार्टिंग में कि आ, भाई देखो अभी तो इंडिया में हिप हॉप भी ढंग से मतलब पहुंच रहा है अच्छी बात है अभी अभी पॉपुलर हो रहा है अभी पॉपुलर हो रहा है अभी लोगों को और समझना बाकी है बहुत बहुत सही बोलिए आपने बात सच कह तो, भा, तो भाई ये अभी जब हॉप पहुंचा भी नहीं है ढंग से ये रीजनल हिप हॉप करने वाला आर्टिस्ट हसल का विनर बन गया ठीक है

और जब मैं सिर्फ अगले एपिसोड का सोच रहा था तो वो अपने आप एक ना एक स्टोरी बनती चली गई एपिसोड बाई एपिसोड आप अगर देखोगे वो मैंने भी बात करी थी कि कि मेरे हर गाने ना एक, एक स्टोरी टाइप बनती चली गई मैंने एंट्री मारी एकदम एक का दिखाते हुए yes. फिर मैंने और थोड़ा सा फ्लैक्स कराया फ्लर्टी टाइप में फिर उसके बाद मैंने रूट की बात करी कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था फिर मैंने रूट की बात कर करती तो इस तरीके से ना वो एक स्टोरी बनती चली गई फिर मैंने अपना डीप एंगल दिखाया कि भाई वट आई फील अबाउट एवरी जो भी हो रहा है मतलब दुनिया में दिन दुनिया में फिर मैंने की बातचीत कर दी थी मतलब तो वो सब एक ना स्टोरी बनती चली गई थी और एंड में फिर मैं ना एक वो वो हो गया था मतलब काफी यार इमोशनल हो गया था तो वो एंड में इमोशनल वाली बातचीत तो ऑटोमेटिकली आ गई वो हो गया मतलब तो एक स्टोरी बन गई ना तो कहीं ना कहीं लोगों को ना वो वो करेक्टर पसंद आया जो मैं करेक्टर था वो करेक्टर जो मैं हूँ वो पसंद आया कि ये बंदा जो है ना ये करेक्टर है भाजी मैं जो फील करता हूँ कि किसी भी किसी भी मतलब नॉर्मल ऑडियंस को या किसी को रिलेटेबल चीज आजकल जो चाहिए ना आर्टिस्ट में वो चाहिए कि आर्टिस्ट खुद रिलेटेबल उसके गाने तो है ही है आर्टिस्ट खुद कैसा है वो बहुत मायने रखती है मतलब आजकल ऑडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिस्ट कैसा बिहेव करता है वो आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ में झांकना चाहते हैं कि वो कैसा है वो क्या करता है आखिर वो है क्या मतलब तो ये चीजें अगर उन्हें रिलेटेबल चीज सील होती है उन्हें तो वो उससे उसको मतलब अपने जैसा मान लेते हैं और उसे भाई मान लेते है है और जिस तरीके से आया है बिल्कुल नॉर्मल और ये उन्हें फील हो गया मतलब बस मेरे को जो लगता है ये बात क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगा था कि, कि, कि आपका और पैराडॉक्स का दोनों का बहुत पसंद करा भाई। था सबने बहुत दोनों दोनों में टैलेंट भी भर के था

मैं नहीं सोच सकता था जो चीजें वो करता है ना वो क्या मॉड्यूलेशन करता है मतलब वो क्या खेल जाता है जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में पहले कभी तो देखी नहीं है वो चीज होती हुई वो वो चीज कर देता है तो इसी को तो बोलते हैं भाई क्रिएशन वो वो चीज़ करता है तो यार बस दुआ है बस यार उसे कुछ ना हो और वो बस चलता चला जाए नजर ना लगे बस उसे किसी की वो फाड़ देगा मतलब अलग लेवल पे फाड़ देगा वो सही भाई कुछ कुछ लोगों को देख के लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा काम करने आए हैं और पैराडॉक्स का भी वही वाला सीन लगता है कि भाई ये लंबा लेके जाएगा, ले जाएगा यार और बहुत बहुत प्यारा एक शिकायत है, और ये, या। ये सबकी शिकायत मैं आपसे करने वाला हूँ ये बताया ये ये हसल के बाद इतने कम गाने क्यों निकाले आपने पहले मुझे ये बताओ सही बताऊ मैं ना थोड़ा सा गैप ले रहा था मैं थोड़ा ऑनेस्टली बताऊ मैं हसल को पीछे छोड़ना चाहता था

यार भाई भाई अगर आज के जमाने में कहीं पे सोशल मीडिया के जमाने में नहीं नहीं भाई भाई इसलिए गायब हो जाता हूँ गाने निकालूंगा तब मैं अ दिखाऊंगा की मैं हूँ क्या मैं वो इमेज मेरे को यही करना था मैं जहाँ देख रहा था भाई हर जगह ना मतलब हर जगह जहां भी मैं पॉडकास्ट में गया हूँ किसी में इंटरव्यू में गया हूँ किसी में या मैं कहीं जनरल मीटिंग में गया हूँ मेरे को हर जगह तो मैं बड़ा ऐसा फील करता था यार उससे पहले भी तो था स्पायर एकदम से नाम चेंज ले देता हूँ और मैं एमसी स्क्ार हूँ वो मैं आर्टिस्ट हसल टू पॉइंटो मैं जीता हूँ जो कि एक ट्रॉफी थी कॉम्पिटिशन था अच्छा लगा जीतते बहुत अच्छा लगा बट मैं सिर्फ वो नहीं हूँ हसल टू पॉइंटो का विनर तो वो मतलब बेसिकली बोल रहा था लोगों को तो, तो इसलिए अब लेकिन गाने गाने आ रहे वाली जस्ट वेट एंड वॉच ये ये नया ने, का शायद आपने फोटो डाली बहुत ही बढ़िया पिस्तौल वाली बहुत ही सही लुक लग रहा है आपका ठीक है और नीचे क्या लिखा राम नाम लाडो ये लिखाया था आपने थोड़ा कॉन्टेक्ट देंगे उसके बारे में थोड़ा बताएंगे उसके बारे में और लाडो तो लाडो मीनिंग होता है डियर और डियर पर भी हो सकता है बहन भी हो सकती है किसी की बेटी भी हो सकती है किसी की मासू भी हो सकती है डियर डार्लिंग बेसिकली डियर ये सब सो लाडो लाडो मेरा नया गाना आ रहा है so, basically, वही बातचीत है कि यार राम राम लाडो मेरी तरफ से राम राम है बस इतना ही दूंगा दो बाकी बहुत सीख गाना है और, और भी देखना बहुत सीख गाने आने वाले लाइक मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ मतलब उन गानों को लेके जो मेरे आने वाले है मतलब मेरे को पता है यार जी हाँ वो गाने कमाल करने वाले हैं तो थोड़ा सा ये बताइए भाई कब बता बता तो आएगा ये भाई मैं कोशिश करूंगा अगले तीन से चार दिन के अंदर ये लाइव होएगा अच्छा फिर तो ठीक है इकतीस को गाना आ रहा है क्या बात है आज तारीख क्या है आज है उन्तीस अरे और गाने के बाद मैं अब तो मैं लग जाऊंगा रेस में कि इसको गली डाल <laughs> लेकिन 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 भाई बहुत एक्साइटेड है इस गाने के लिए है ना क्योंकि हमें पता है कि अब जो हमें एम सी स्क्वायर देखने वाले हैं ये जैसे होता है ना एक आर्टिस्ट होता है तो हमें जब वो पसंद आता है हम चाहते हैं और क्या करेगा और क्या करेगा तो मुझे लगता है कि अब ए, आपने दुनिया गाना डाला था ठीक है आपने बिल्कुल अपना पुराना वाला जो आपका स्टाइल था ना, वो वाला स्टाइल फिर से आपने दुनिया में डाला और अब ये अब ला, लाडो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से एम स्क्वायर का हम लोग का एवोल्यूशन देखने को एज एन आर्टिस्ट मिलने वाला

और सबको जानना चाहिए और आप इस बात को बहुत फैला रहे हो अपने इंटरव्यूज में इसलिए पूछ रहा हूँ भाई मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि रागनी क्या चीज है जिसके बारे में आप बात करते हो प्लीज अपने इस कल्चर के बारे में हम लोग को थोड़ा सा और बताइए की रागनी कॉम्पिटिशन क्या होता है भाजी रागनी बेसिकली क्या होता है एक फोक जॉनरा है हरियाणवी म्यूजिक में बहुत पहले से रागनी चली आ रही है और रागनी के भी सब जॉनरास होते हैं सांग होता है चौपाइया होती है इस तरीके से भजन भी रागनी में ही आ जाते हैं कई जो हरियाणवी भजन होते हैं वो रागनी में ही आ जाते भाजी रागनी, रागनी के दो तरीके होते हैं जैसे में रा, रागनी सबसे पहली बात तो एक फोक है एक फोक संगीत है हरियाणा का जिसको रागनी बोल देते हैं और रागनी के भी फिर सब जोनराज मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले चौपाइया हो गई सांग हो गए भजन भी है कुछ तो इस तरीके से तो so, सांग, सांग रागनी में जो होता है उसमें बेसिकली स्टोरी टेलिंग की जाती है रागनी के थ्रू तो so, हमारे दादा लक्ष्मी चंद हुआ करते थे बहुत पहले पंडित लक्ष्मी चंद वो हरियाणा के सबसे उनको उनका एक्चुअली कालीदास बोलते हरियाणा का कालीदास हाँ तो और पंडित मांगे राम जी हुआ करते थे वो बहुत पहले रागनी लिखते थे उनको बोलते हैं शेक्सपियर ऑफ हरियाणा अच्छा लाइक so, like, वो ऐसे लेजेंडरी काम करके गए हैं जैसे भाई अब अब हम रैप में क्या करते हैं हम अलंकार यूज करते हैं आ, जैसे वो कौन सा अलंकार होता, होता इसमें सेम वर्ड से स्टार्ट आ, है अनुप्रास होता है इस तरीके से सो पंडित लक्ष्मी है बहुत पहले एक रागनी लिख के चले गए थे जिसमें पूरी की पूरी रागनी एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही है और वो ऑनेस्टली एक चीज बताओ वो ना उन्होंने एक अक्षर पढ़ा नहीं है अपनी जिंदगी उनको लिखना पढ़ना नहीं आता और उन्होंने ऐसा काम कर दिया था कि ये है एक 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 वर्ड सेम, सेम अक्षर से, है। का से है तो का से ही ऐसे ही दादा लक्ष्मी तरीके का काम करते थे उनको मतलब फैमिली से बिल्कुल अपनी से सपोर्ट नहीं मिला था उनके ऊपर एक मूवी आई है एक्चुअली ना हरियाणवी एक मूवी आई है दादा लक्ष्मी चंद की दादा लक्ष्मी करके नाम है उसका वो बहुत तगड़ी मूवी है उसका पहला पार्ट आया अभी तो उन्होंने उसमें दिखाया है कि वो कैसे थे उनको फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था उनको सब ये बोलते थे कि ये पागल है ठीक कलाकार को ना उस टाइम पे पागल ही बोलते थे भाई साहब ये पागल है क्या कर रहा है ये ध्यान नहीं दे रहा कि इसे क्या करना चाहिए जिंदगी में कमाना चाहिए खाना चाहिए फैमिली है वो है ये सब उनको पागल बोलते थे कि ये पागल है वो उन्होंने घर छोड़ दिया था फिर अपना इस चक्कर में और फकीर बन के रहते थे, थे एकदम फकीर बन। तो आप बेसिकली यही रागिनी कॉम्पिटिशन में जाते थे और वहां से आपको इंस्पिरेशन आ, आती थी मैं सुनने जाता था मैं मतलब करने नहीं जाता था रागनी तो मेरा इंटरव्यू चल रहा बाद में <laughs> सॉरी तो भाजी मैं सुनने जाता था रागनिया मेरे को बहुत पसंद थे मतलब रागनी सुनना सांग सुनना ये सब और मेरे खुद के नाना जो है नाना जी वो सांग करते थे चौपाइया करते थे होली पे तो मेरे को बहुत पसंद था पहले से और ये सीन था भाजी थोड़ा सा ना जो मैं एक डीप ट्रुथ बताऊं एक डार्क ट्रुथ जो है कि इवन हरियाणा में भी ना राग्नियों को पहले जो वेल सेटल्ड फैमिलीज होती थी ना वो थोड़ा सा मानते थे कि यार नहीं ये तो ऐसे ही <laughs> ये जो बेसिकली कलाकार को कि नाथते गाते हैं ये तो भांड है ऐसे बोलते थे जो भी रागनी कलाकार होते थे उनको तो लाइक पहले अब तो काफी अच्छा हो गया मतलब सीन अब तो कोई दिक्कत नहीं है सो ऐसे बोलते थे तो इस चक्कर में ना मेरे घर वाले चाने देते थे मेरे को रागनी सुनने के लिए कि नहीं मेरे को पता चल जाता था कि अच्छा पास के गांव में राग नहीं है पर चुपचाप बिना किसी को बताए वहां पहुंच जाता था औ, और, भाई इस टाइम पे आपकी उम्र क्या होगी मैं आई थिंक मैं उम्र तीसरी चौथी या पांचवी क्लास में था उस टाइम इतने छोटे में आप चले जाते थे, थे। हाँ जी भाई मज़ा बस, बस आ रहा है सुनने में जा रहे हैं बस मजा आता था सुनने में कि वाह क्या क्या कर दिया यार क्या कर दिया और एक और चीज बताओ आपको हारमोनियम हारमोनियम होता है भाजपा और हारमोनियम वर्ड का मीनिंग अपने वहां पे हरियाणा में एक खुद का अपना बना रखा है मतलब पता है आपको ना। मैं बता <laughs> अब मैं बताता जब बड़ा हो गया मेरे को पता था कि हारमोनियम का मतलब हारमोनी जो वो इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम बट हारमोनियम का मतलब कुछ और जो जो उनमें बना रखा है इसलिए बना रखा है कि इसका ना अंत नहीं है कोई तो हार मान जाते हैं ना जिससे बड़े वो है हार मतलब <laughs> तो ये बातें वहीं पे हो सकती हैं यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट साथ में मिलते हैं समय बिताते हैं उनकी जिंदगी में आठ ही आर्ट चल रहा है तो इनके बीच से आप निकल के आ रहे हो बेसिकली वही बात मैंने वही सुना मतलब बचपन से मैंने रागनी सॉन्ग सुने ऐसी नहीं ऐसा नहीं है कि रागनी सिर्फ सीरियस टॉपिक के ऊपर होती थी कई रागनी ऐसी थी होती थी जिनको चटकीली रागनी बोलते थे जो मतलब जैसे आइटम सॉन्ग होते तो वै, राग्न वैसी भी होती थी कुछ राग्निया ऐसा नहीं हर तरीके की रागनी होती थी हर तो स्टोरी टेलिंग हो गई कोई ऐसे ही होगी कोई फन वे में कर रहे वो रागनी हो गई मतलब जैसे जैसे रागनी है जैसे एक रागनी राग्नि भाजी वो है बेसिकली कि वो एक एक बीवी अपने पति से कह रही है कि मैं तो होली खेलने जाऊंगी <laughs> पति से कह रहा नहीं तू तो होली खेलने मत जा आ, इसके ऊपर पूरा कॉन्वर्सेशन कौन्वर, चल रहा है इसी टॉपिक पे तो इस तरीके की ऐसा मजा आता है मतलब काफी राग नहीं सुनने में पहले मजा से मजा आता था बचपन से भी यार वाह तो भाई एक चीज बताइए देखिए यार आप पलवल के हो ठीक है मैं भी भाई लखनऊ का हूँ ठीक है छोटे में भाई छोटे चो, भाई कोई अंग्रेजी समझ नहीं आती थी सच बताओ तो मतलब अंग्रेजी शायद मुझे नौवीं दसवीं के बाद थोड़ी बहुत समझ आने शुरू हुई थी कि होती क्या चीज है तो भाई ह, हम लोग हिप हॉप गाने सुनते थे एन एम एम आ गया था जब मैं छठी सातवीं में था अब मैं सुनता रहता कुछ तो अच्छा लग रहा है कुछ कुछ शब्द समझ आ रहे लेकिन मतलब नहीं समझ आ रहे आपने कैसे पलवल में ये हिप हॉप कहाँ से आ गया रागनी से क्योंकि रागनी तो रागनी तो करने वाले फिर भी आपके आसपास बहुत लोग थे शायद हिप हॉप वाले उतने ना हो घर पे तो कोई वैसे भी समझ नहीं आता घर वालों की क्या ही चीज है तो ये, ये पलवल में कैसे आ गया हिप हॉप आपके ऐसे था कि अब मैं सबसे पहले देखो ऑनेस्टली बताऊ मैंने हिप हॉप में माफिया को ही सुना था अच्छा उससे पहले मतलब सुने थे बट सबकॉन्शियसली सुने थे पता नहीं था कि ये भी रैप था जो मैं सुन रहा था बहुत पहले

बट तो वो रेवोल्यूशन था मतलब बच्चे, बच्चे इससे बड़ी चीज क्या बात एक होता है गाना गाना नहीं रैप रट रहे है बच्चे लाइक मेरे को याद होते थे हम पन्ने पे प्रिंट निकलवा देते भाजी याद करने के लिए रैप रटना है रैप रटना है तो उसमें ही थोड़े बहुत अंग्रेजी के शब्द हुआ करते थे तो उन, उनका मीनिंग हमें इधर उधर से पता करते थे किसी टीचर से पूछ लिया हाँ। या किसी बच्चे से पूछ लिया जो हमें पता था कि ये 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 शहर का है थोड़ा सा इसी है, जानता है इंग्लिश जानता है हाँ। उससे पूछ लिया ऐसे एद फिर फिर ये सीन हुआ कि मेरे को ना खुद को शौक चला कि मैं इंग्लिश मूवीज देखूंगा हुँ, हुँ. तो मैं इंग्लिश मूवीज देखता था मुझे कुछ समझ नहीं आता था भाई बस मैं इंग्लिश मूवीज देखता था एक चैनल चलता था अः क्या नाम था यार उसका यार अब तुम्हारा नाम भी भूल गया बताऊँ

फिर फिर ये पूछा कि ये इसका मीनिंग क्या है क्या है तो मेरे को बताया मुझे समझ आया अच्छा ऐसे है ये। फिर 11 तक आते आते, मैंने वो गाना याद करा था, था मेरे को, मेरे को स्कूल में परफॉर्म करना था वो गाना और एम एन एम का आई थिंक इकलौता गाना वही है जिसमें शायद एक भी गाली नहीं है एंड में सिर्फ एक नहीं शायद इकलौता वो गाना है जिसमे

डरी एक आदमी का नाम पता था गांव में वो थे माइकल जैक्सन जी तो गांव गांव के बड़े बूढ़े ना उनको भी पता था माइकल जैक्सन कौन तो हम जैसे अब मैं इंग्लिश बोल देता था ना ऐसे गांव में चलता चलता कुछ भी ऐसे बोल दिया रुक जा माइकल जैक्सन टचा तो मतलब देख रहे हो आप की माइकल जैक्सन और माइकल जैक्सन के बारे में ये नहीं पता था आ, <laughs> <laughs> तो, आप, कि वो गाने गाते है में ये पता था कि एक है। आ, जो, जो कि मूर्न वॉक करता है <laughs> ये पता था। तो ये ट्राई करते थे बस यही सब शौक था मतलब ये सब देखना फिर बाद में आते आते पता चला था अच्छा माइकल जैक्सन सिंगर है वो गाने गाते थे सर काफी सुने थे तो ऐसे ऐसे करके ना इस कल्चर ने ना मेरे को काफी लाइक like, इन्फ्लुएंस किया था ब्लैक कल्चर ने बेसिकली जानने के लिए मैं क्यूरियस था कि है क्या बेसिकली तो बस मैं जानता चला गया भाई फिर नेट फिर तो जब नेट आ गया तो फिर तो बहुत आसान हो गई थी सारी चीजें फिर तो कुछ भी हो जाता फिर तो सर्च करा कि इसका मीनिंग क्या निकल गया बस फिर तो चल गया वहां से बढ़िया वो, वो जमाने तो भाई बिल्कुल अलग थे जब साइबर कैफे में जा, जा के हम लोग लगे रहते थे घंटे घंटे पलवल में सोच रहे हो पलवल में तो साइबर कैफे इतने थे भी नहीं और हम प्रिंट आउट निकलवाने के लिए जाते थे लिरिक्स सही बात निकलवाने चले जा रहे बिना घर वालों को बताए कि कहा जा रहा है लड़का धूप में तो पता लगा वो रट्टा मार रहा है गानों का एक बार मैं पास के गांव में चला गया था शायद रागनी सुनने गया था जले भी खाने गया था मैं जले भी खाता मेरे दोस्त के साथ और मेरी जो पिटाई हुई है उसके बाद जब मुझे मुझे जो भी जो बनी है ना उसमें जो आपके साथ में हो रही थी वो बहुत बड़ा, उसने योगदान दिया है जो आज आप एज एन आर्टिस्ट जो निकल के आए हैं मुझे लगता है क्योंकि क्योंकि भाई रैंडमली बात मेरे को याद आई मैं आपके जो भी गाने सुनता हूँ हर गाने में किसी ना किसी फीमेल की बात जरूर होगी लेकिन

ये सारी चीजें आपके बचपन में जो चारों तरफ हो रहा था जिस प्रकार की बातें हो रही थी वो सारी चीजों ने मुझे ऐसा लगता है, है रूट से जुड़ा हुआ है सो उसमें ना एक फैक्टर और है लाइक हमें ना स्टार्टिंग से ये बताया जाता है कि यार ये काम नहीं करना क्यों नहीं करना वो तो अलग बात है कि गंदा काम है बेकार काम है बट क्यों नहीं करना इसमें फैमिली की बुराई है ऊपर वाला देख रहा है ये चीजें जो है ना हमारे लिए बहुत मायने रखती है yes. तो हम ऑटोमेटिकली ना वो काम होता ही नहीं मतलब hmm. मैं किसी फीमेल को गाली निकालू ये होएगा ही नहीं ऑटोमेटिकली दिल से अगर मे, मेरे को मतलब एक्टिंग भी करनी हो ना कहीं ऐसी hmm. तो मेरे से आई थिंक तब भी नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब ऐसा सिखाया गया है लाइक like जैसे आज अभी भी मैंने ना अपने आप से एक वो कर रखा है लाइक like मैंने कसम ले रखी है अपने आप से कि चाहे कितने से कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो अगर वो दारू के बारे में या किसी भी मतलब लो ग्रेड चीज के बारे में जो हमें लगती है उसके बारे में ना वो मैं करूंगा नहीं अपनी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो चाहे मतलब यू नो चाहे मतलब खुद एम 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 का प्रोजेक्ट हो वो मैं तब भी नहीं करूंगा मैंने ये कसम ले रखी है क्योंकि मैं ये सोचता हूँ अगर वो काम मेरी फैमिली वालों के सामने जाएगा जो कि एक जॉइंट फैमिली है और वो बैठ कर वो काम देखेंगे उन्हें कैसा लगेगा उन्हें थोड़ा ना अच्छा लगेगा कि यार चाहे कुछ भी कर चाहे कितने ही बड़े स्टेज पे कर रहा है बट अगर ये काम कर रहा तो अच्छा नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं है ना भाई अंदर से ही ये चीजें बचपन से ही सिखाई जाती है हमें कि ये नहीं करना ये काम नहीं करना तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा बन जाता है हमारा नेचर ऐसा बन जाता है कि हम वो काम करेंगे ही नहीं so, तो कहीं ना कहीं मतलब वही चीजें तो वो होती नहीं अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ किसी फीमेल के बारे में मैं लिख रहा हूँ तो मेरे से ऑटोमेटिकली वो फ्लर्टी वे में अच्छा लिखा जाएगा जिससे हंसी आ जाए जिसको सुन के या तो प्यार जाग जाए या हंसी आ जाए वैसा आ जाएगा बट कुछ गंदा नहीं आएगा मैं ऐसा लिखता हूँ जान भाई मेरे को मतलब बहुत ही आप तो ऐसी बातें कर रहे हो कि मेरे पास सीरियसली मैं अपने सवाल भूल जा रहा हूँ यार क्योंकि ऐसी बातें कर रहे हो आप आपकी मैं सवाल जवाब से ऊपर की बातें कर रहे हो आप फिलहाल यहाँ पे क्योंकि क्योंकि भाई मैं समझता हूँ ना जिस और मैं तो भाई ठहरा सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर तो हम तो भागते ही है कि भाई जहां पे हमें व्यूज मिल जाए बस वहां पर लग जाओ चिपक जाओ ये सच्चाई है और आप आज के जमाने में वो बातें कर रहे हो कि जहां पे ये सब चीजें मायने नहीं रखती है यार है ना ठीक है तू एक गाना कर लिया ठीक है तेरे को ये व्यूज आ गए ठीक है तेरे को इतना पैसा आ गया तेरा एक साल के लिए नाम चल गया उसके आगे क्या तो इससे भाई मैं एक सवाल पे आना चाहता हूँ आपके ऊपर कि मेरे को ये बताइए की जो ओवर नाइट सक्सेस होती है ठीक है ओवर नाइट सक्सेस जो बहुत तेजी में कि एक लड़का बड़ी मेहनत तो कर रहा था है ना लेकिन उसको मिल नहीं रही थी फेमस नहीं हो रहा था सक्सेस सक्सेस के भी मायने होते हैं तो लेकिन आज वो हर जगह पॉपुलर हो गया इसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग फेमस तो हो जाते हैं लेकिन वो लेगेसी पे काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है बस हो गई सक्सेस हो गई आप तो, आप बिल्कुल जो भी बातें कर रहे हो वो लेगेसी वाली कर रहे हो कि यार मैं लेगेसी की तरफ ज्यादा जाना चाहूंगा राधर दैन की मैं हसल पे आ गया तो आप सब हसल का विनर हसल का विनर ही लगे हुए हैं या फिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है ना लेकिन भाई वो मेरे प्रिंसिपल के साथ नहीं मैच कर रहा है तो मुझे थोड़ा बताओ भाई की आपका सोच कहाँ पे है लाइक वट यू सी कि आप पांच साल बाद दस साल बाद पंद्रह साल बाद क्या लेगेसी बिल्ड करने के ऊपर काम कर रहा हो परी एक ना एक सिंपल सा फंडा है जो मतलब मैं सोचता हूं कि यार पहले सीढ़िया होती थी परी ठीक है सीढ़िया होती थी पहले अब ना लिफ्ट आ गई है एलिवेटर आ गई है तो लिफ्ट से जल्दी पहुंच गए ऊपर जो भी है ठीक है बट ये मत बोलो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो लिफ्ट की बंद हो सकती है तो सीढ़िया ही यूज करनी पड़ेगी तो अपने को काबिल रखो

कल को क्या पता वॉस से वॉस केस अगर मान के चले इंस्टाग्राम बंद यूट्यूब बंद सब बंद तो उतने जो उतने काबिल हम रहे कि बिना इन सब चीजों के भी अपना आर्ट दिखाने लायक है हम एक स्टेज है हमारी पब्लिक है हमारी ऑडियंस है हमसे लोग जो प्यार करते जो सुनना चाहते वो है उनकी नजरों में ये रहे कि हाँ यार ये सिर्फ इन चीजों से नहीं चल रहा ये ये ये, ये भी है ये, ये भी है तो ऐसा कुछ रहे मतलब तो वो है क्या कहा मतलब बहुत से 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 करके अपने आप को वैसे रखो मेंटेन तो हो जाएगा मैं ये चाहता हूँ कि यार एट द एंड ना मतलब अगर दस पंद्रह साल बाद लोग मेरे गाने सुने ना तो उन्हें ये ये लगे कि बस हाँ यार इसमें जो भी बात करिए ना लूट की बात करिए अच्छी बात करिए हमसे रिलेटेड बात करिए कोई भी इसने वैसी बात नहीं करी जिसमें गलीज हो इसमें गंदा हो कुछ जिसमें मतलब बेसिकली सोसाइटी को या किसी भी कल्चर को बदनाम करने की बात कही गई हो वो ना हो उस बस ये मानना है मतलब। वही वही बात है भाई बहुत जिसमें वो वो अप, वो चलना बहुत जरूरी है नहीं तो आप नहीं गरूर। गरूर। और ये होता है मतलब ये डार्क ट्रुथ है हमारा मतलब जो भी है आप देखोगे वो इन्फ्लुएंसर जो ऐसा काम करते हैं आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ वो बहुत जल्दी लाइक वहां पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी लोगों की नजरों में अपनी वो बना लेते हैं जगह और बट उससे है क्या मतलब उससे लेगेसी क्या बन रही है मतलब आप अपने बच्चों को या फिर किसी को भी आप अपनी फैमिली को या किसी को भी बेसिकली क्या क्या बताओगे अपने बारे में कि मैं ये करता हूँ so, वो मेरे हिसाब से मैं मेरे मेरे लिए वो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कल को अगर बताऊं किसी को अपने बारे में या मेरे बच्चे किसी को मेरे बारे में बताए तो बताए कि हाँ ये किया था उन्होंने तो वो चीज मेरे लिए बहुत मायना रखती है भाजी बस भाई मेरे को आपका पर्सपेक्टिव ये बताओ क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव की ही बात हो रही है अभी तो मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप जब इंटरव्यूज में बता दो तो मेरे को बड़ा मजा आता है ये चीज सुनने में तो मैं फिर से आपका सुनना चाहूंगा और हम लोग थोड़ा हिप हॉप वाले ज्यादा है तो मुझे पता आप थोड़ा और डिटेल में बता सकते हो भाई ये बताइए ये बताइए भाई हमारा देसी हिप हॉप जो है वो बाहर के हिप हॉप से कैसे फर्क है और क्या हमको सारी वही चीजें फॉलो करनी चाहिए जो बाहर हो रही है या फिर हम इंस्पायर होकर भी काम चला सकते हैं और अपना एक कुछ बिल्ड कर सकते हैं आप बताइए भाई आप क्या सोच रहे हो भाई मैं मानता हूँ कि यार हिप हॉप एक कल्चर है हिप हॉप का बेसिकली जो मैं मानता हूँ ना मीनिंग बेसिकली क्या है वो एक वो कल्चर जो रूट से जुड़ा हुआ है जो मैं मानता हूँ हिप हॉप का मतलब मैं नहीं मानता कि वो ही कल्चर जो वो कर रहे है हिप हॉप का मतलब मेरे हिसाब से वो है कि वो कल्चर जो रूट से जुड़ा हुआ है जो बातें करता है बस इतनी सी सीधी सी बातचीत तो मैं मैं ये चाहता हूँ कि यार बाहर जो कर रहे हैं वो अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जो ब्लैक्स है वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं या अपने शानो शोक जो अपनी जो ब्लिंग है जो उनकी लाइफ है उसके बारे में बता रहे तो क्यों ना हम अपने ही बारे में बताए तो देसी हिप हॉप में देसी चीजें जो हम करते हैं बचपन से करते आ रहे हैं जैसे जैसे आप देखोगे यार मेरे को इक्का पाजी की स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी लगती है इस मामले में वो जो करते हैं ना लाइक बेसिक चीजें है वो बहुत बेसिक आप अगर डीपनेस में जाके देखोगे तो वो, वो उन बातों को करते हैं जो बातें बचपन में हुआ करती थी तो वो एक फैक्टर हो गया ये चीजें हो गई तो बड़ा मजा आता है सुनकर यार ये तो अपनी बातचीत है ये तो हमारी बातचीत है ये नहीं है वो वाली बातचीत की हम तो मस्टैंग में ही घूमे स्टार्टिंग से ही हम तो घूम रहे मस्टैंग में तो वो वैसी वाली बातचीत साइकिल पर घूमे हम साइकिल पर आप तब वाली की बातचीत है तो वो बातचीत वो मतलब वैसी वाली है कि यार हमें विली नाम भी नहीं पता था विली क्या होती बस हम उठाने की कोशिश करते थे साइकिल को आगे से सही बाद, सही बात बात तो वो चीज थी फैक्ट था मतलब साइकिल पे वीली से करे वो फैक्ट था मतलब कोई झूठ नहीं।, नहीं था उसमें रियल थी एकदम तो ये चीज है देसी पॉप तो जो अपनी है कल्चर वाली वो डाल सकते है और दूसरा पाजी जो फर्क है वो ये है कि इंडिया से मेलेडी कभी नहीं जा सकती सही बात बिल्कुल सही बात में मेलेडी मेलेडी चाहिए ही चाहिए क्योंकि ये अपना कल्चर है हम ये नहीं कह रहे कि यार अगर तुम मेलेडी डाल रहे हो तो तुम हिप हॉप नहीं कर रहे नहीं वो जो बोलता है ऐसा मेरे हिसाब से वो गलत बोल रहा है मेरे हिसाब से hey. क्योंकि इंडिया इंडिया के कल्चर में है hey. इंडिया के कल्चर में सरगम है वो कभी जा ही नहीं सकती गई तो तो बुराई नहीं है तभी तो भाई एक चीज तो और बहुत बढ़िया दिखती कि हमारे वो अपने फ्लोस है हमारे फ्लोज में मेलेडी डालते हैं हाँ। उनके फ्लो में मेलेडी बहुत सारे ऐसे रैपर हैं आजकल बहुत अच्छे अच्छे भी हैं सीधे मौत के भी कुछ अभी गाने आए हैं ना जिसमें वो उनके फ्लो में एक मेलेडी चल रही है पूरी पूरी वो वो वाला है कितना तो, प्यारा गाना तो तो बेस्ट सॉन्ग बोल सकते हैं उसको सीधे मौत का और उसमें देखिये दिल की बात ठीक है मेलोडियस गाना और कौन कहेगा कि खाली वो रैप है जो कोई नहीं सुन सकता भाई रैप भी है लेकिन मेलेडी जो आपने बोला मेलेडी क्या है वो मतलब मेरे साथ मार्क बाटिया एक मेरा दोस्त है अरे क्या गाने बनाता है भाई वो क्या गाने बनाता है अब भी आएंगे ही नहीं उसके गाने समझ hmm. वो उस तरीके का उसकी एक लाइन है मैं आपको बताता हूँ की एक लाइन है की सत से निका वो लेके गया मुझे छज्जे की ओर मतलब सोच रहे हो सत से निका कर लिया तो वो मुझे सोसाइटी की तरफ लेके चला गया देख रहे हो

वो थे बात है, बट अपने तरीके से अगर आप देख रहे हो यही तो है रियलने, रियलनेस सारी, की सारी आप देखो उन्होंने अपने बीट बनाई है उसकी आई थिंक स्नैपी ने बनाई पता नहीं शायद। तो उन्होंने बिल्कुल रियलिस्टिक अपने तरीके से करा जो काम करा उन्होंने अपना जो फोक अपना जो फोक था उसको उसमें फ्यूज करा मतलब कि ये है Yeah. भाई, अ, अपने रीजनल चीज तो लिया है ना उसको नहीं छोड़ेंगे आत्मा नहीं छोड़ने वाले अब उसकी पैकेजिंग ऐसी जोगे काबिल का और, और तो जो हो जाओ का उसके बाद करो फ्लैक्स, फ्लैक्स भी जरूरी है फ्लैक्स करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मोटिवेट करता है आने वाली जो अपनी है ना जनरेशन है उनको मोटिवेट करता है यार ये बंदा यहाँ से उठा और ये यहाँ पहुंच गया डिवाइन का एक बार है मेरे को बहुत मोटिवेट करता है वो कभी लिखता था गली न, अभी लिखता हूं में अभी कितने जो ये सोचते हैं कि यार मैं छोड़ देता हूँ उसमें कुछ है नहीं लेकिन जब ये लाइन सुनते हैं तब मन में आता है वही बात मतलब कभी लिखता था गली में अभी लिखता हूँ फ्लैन में असल जिंदगी छोटे मेरी नो है मैं <laughs> बड़ा मतलब ऐसे नहीं एकदम से वाइब आ जाती तगड़ी वाली एकदम से कि यार ये ऐसा ब्लैक करो कि मोटिवेट करे वो लोगों को यार लोग कहे कि तुम्हारी ये कर सकता है ना तो मैं भी करूंगा ए, वो चीज हो बस भाई मेरे भाई चीज ही है आ, आप बहुत बढ़िया परफेक्ट आदमी है क्वेश्चन के लिए इसलिए आपसे पूछूंगा कि भाई मैंने बहुत देखा है जो रीजनल लैंग्वेज में जो बच्चे रैप बनाते हैं ना चाहे वो आपके नॉर्थ ईस्ट साइड के हों चाहे वो डाउन साउथ इंडिया के हों या फिर आपके कैलकटा साइड के हों वो मेरी बात होती रहती है उससे बड़े डिमोटिवेटेड रहते हैं कि भैया हम पे तो कोई नजर ही नहीं डालता है ना हमको वो नहीं मिलता वो एप्रिसिएशन या एक्नोलेजमेंट कि हमारी भी आर्ट है हम ये कर रहे हैं आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे क्योंकि आपने भी अपना कुछ नहीं छोड़ा आपने सेम चीज को लेकर आगे बढ़े उनके आप क्या एडवाइस दो मतलब मैं ना भाजी एक चीज जो कहना चाहूंगा कि शोर ना हवा की तरह ट्रेवल करता है शोर हवा की तरह ट्रेवल कर रहा है कि आज यहाँ है कल वहां समय पे विश्वास रखो भाई करते जाओ जो भी कर रहे हो ना ऑनेस्टली ऑनेस्टली यार कि अगर आज कोई ध्यान नहीं दे रहा ना तो कल जरूर देगा शोर है शोर जब मचता है तो भाजपा अपने आप ही मतलब पता चल जाता है कि भाई कुछ हो रहा है तो वो बस टाइम की बात है भाजी जो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा यार अब यहाँ नाइनटीन में वहां आ गया था एक वो आप जाके अच्छी तरह से आ रहा है इन, इन. तो वो टाइम लगता है ऐसा तो नहीं है की इंडिया, इंडिया है कि 2008 से पहले इंडिया में होगा गारंटी के साथ होगा भाई लिख के दे सकता हूँ क्योंकि सुनते हो कोई ना कोई तो इंडिया पे सुनता होगा वहां का भाई मैंने चार में एक रैप सॉन्ग लिख के अपनी बहन को सुनाया था उसने कहा क्या कर रहा है मैंने कहा ये नहीं करूंगा मैं यार किसम जो जो आप बोल रहे लोगों को मिलना शुरू हुआ है। तो भरोसे की बात है समय पे भरोसा करो और बस अपनी आर्ट के साथ मतलब खिलवाड़ मत करो उसको मतलब मत लो करते जाओ करते जाओ जो कर रहे हो करते जाओ सच्चे दिल से और हाँ अब आप दूसरा सवाल ये आता लेकिन भाई करते जाएंगे तो तब तक फैमिली को भी तो पालना है जॉब भी तो करनी है भाई जरूरी है मतलब वो करो मेरे हिसाब से जॉब भी करो यार थोड़ा टाइम निकालो अपने म्यूजिक के लिए अपने आर्ट के लिए एज अ हॉबी रखो चाहे इसे स्टार्टिंग में मतलब करो लेकिन करते रहो अगर आप डेली एक घंटा भी निकाल रहे हो अपने आर्ट के लिए तो प्लीज निकालो डेली अगर एक घंटा आप इंस्टाग्राम चला सकते हो तो आप मे भी वो कर सकते हो आप आर्ट कर सकते हो या किसी से बात कर सकते हो डेली आप एक अगर एक घंटा आधा घंटा तो अपने आर्ट के लिए थोड़ा सा

उन्होंने एक डिसिप्लिन बनाया उन्होंने कहा मैं सवेरे सबसे पहले उठ के एक वर्ष लिखूंगा डेली मैं कोई भी काम करने जा रहा हूं मैं कहीं भी जा रहा हूं मैं सवेरे उठ के एक घंटा डेढ़ घंटा अपना लिखूंगा उसके बाद मैं अपना काम करूंगा तो जो आपने बोला खिलवाड़ ना करो स्किल्स हाँ, पे काम करो वो बहुत हाँ। जरूरी है मतलब छोटी सी बात है ज्यादा बड़ी बात नहीं है बस सारी की सारी बात यहाँ पे आ जाती है भरोसा करना और अपना चलते रहना चलते यार अब हम डेली हम कपड़े पहनते हैं हम डेली खाना खाते हैं ये भी जरूरी है कि इतना आपके पास इतने जो इतने काबिल हो आप कि आप दो पैसे इधर से ला रहे हो ताकि आप जो तन को पहनने के कपड़े हैं और खाना है ये खा सको और एक घंटा अपने जो आप कुछ और काम करते हो वाह इसको दे दो अपनी आर्ट को जरूर मैं जरूरी नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि आप जय कोल की तरह मतलब वर्थ लिखो जरूरी नहीं है नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं आप एक घंटा म्यूजिक को दे दो कैसे चाहे सुनो चाहे कुछ भी करो एक्सप्लोर करो म्यूजिक कुछ भी जितना समय लगाओगे भाई भाई। भाई। तो रियाज तो करना ही है ना तभी तो वो।, वो तभी तो होएगा अगर वो नहीं काम करेगा तो कैसे होएगा जैसे आपने भी एक चीज एक जगह आपने एक और चीज बोली थी कि भाई राज भाई के इंटरव्यू में आपने बात बोली थी कि अब अब स्किल्स काफी आ गई है मेरे में पहले जो था जो भी असल के पहले वाला टाइम था वो जो भी हाँ। था जब जब आप, जो आपने फर्स्ट ऑडिशन दिया था सेकंड के बीच में आपने अपनी स्किल्स पे बहुत काम करा वो बहुत जरूरी था आगे बढ़ने के लिए अच्छी, अच्छी, हाँ। वही सीढ़ी सीढ़ी चढ़ने वाली बात जो आपने बोली कि भाई उस काबिल तो बनू की लिफ्ट ना भी हाँ। सीढ़ी चढ़ के जाऊंगा हाँ। मैं अब मैं ना मेरे आस लाइक देश के चुनिंदा लोग थे जिनके साथ शायद मैं बातचीत करके अच्छा कर सकता था अपना काम वो मैंने करा मैं यार मैं अपना काम अच्छा कर सकता हूँ मेरे, मेरे को इससे कुछ सीखने को मिल सकता है मेरे को इससे कुछ सीखने को मिल सकता like, है लाइक आदित्य सर से सर थे वहाँ पे जो हमारा म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे लाइक okay. like, अगर मैं बताऊँ ना ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक जो म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं बोलूंगा मैं वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक के बारे में नॉलेज रखने वाले लोग जो मिले हैं ना मेरे को उनमें okay. से वो एक है सो okay. लाइक so, like, जब मैं उनके उनके पास था वो मेरे को बताते थे कि ये स्केल होता है ये स्केल होता है यहाँ पे करने की कोशिश कर यहाँ पे तो मैंने उसपे कोशिश करी मैंने यार नहीं सीखूंगा तो सीखूंगा मैं, मैं यहाँ कहां उनके साथ बैठ के अगर मैं सीख लू तो अच्छा रहेगा कि कल को मान के चलो मैं सिर्फ एक ही एपिसोड में हूँ मैं एक चीज सीख के जाऊंगा तो मैं अलग कर सकता हूँ अपने गानों में आप तो मेरा पंडा यह था कि यार सीखना है बस Like, जी डी पाजी थे वहां पे मैं जी पाजी से सीख रहा था सब्र क्या चीज है तो समझ रहे हो क्या क्या है। मैं उनसे वो सब्र क्या चीज है यार जो भी मतलब वहां पे जो अभी भाई ने बताया की कोलकाता में है या नॉर्थ ईस्ट में है जो रेपर्स है जो भी है यार जी डी से सीखो सब्र क्या चीज है दो हजार नौ से कर रहे है वो लिटरली दो हजार नौ से तो भाई करो यार करते जाओ बस

फिर मैं, इस के यार मैं गा सकता हूँ mm -hmm. तो गा नहीं नहीं तो सुनता आ रहा हूँ वो मेरे दिमाग में है दिल में है वो मैं गा सकता हूँ वो मेलेडी मेरे दिमाग में है वो मैं गा सकता हूँ okay. तो मैंने बस वही ट्राई करा मैंने कुछ चेंज नहीं करा मैंने सिर्फ वो ट्राई करा कि जो मेरे को नई चीज सीखने को मिली थी मैंने वो लागू कर दी और बहुत तगड़ा हुआ मतलब

Like, honestly बता रहा हूँ मैं चीज मेरे को उतना भरोसा नहीं था कि मैं जीत जाऊंगा मेरे को सिर्फ इतना था कि यार एक दो एपिसोड मैं रहूं रह लूंगा ज्यादा ज्यादा हाँ तक आ गया हूं, तो एक दो एपिसोड रह लूंगा so, बस ऐसा था और ये तो मैंने सोचा इसलिए मैं नहीं सोच रहा था लाइक ऑनेस्टली जीतने का क्योंकि मेरे को खुद भरोसा ही जो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ लेकिन धीरे धीरे जैसे चलाना ना टाइम तब मुझे ना भरोसा आने लगा खुद पे कि हाँ यार कि जब मैं सबको देख रहा था कि ये ये लिख रहा है ये चीज लिख रहा है ये लिख रहा तुम्हें कहता यार मैं भी लिख रहा हूँ मैं भी तो लिख रहा हूँ यार तो लिखा मैंने <laughs> तो तो ऐसे मेरे को खुद पे भरोसा होने लगा कि हाँ यार मैं भी अच्छा लिखता हूँ तब तो मेरे को जब लास्ट के कुछ कुछ डेज बच गए थे जब हम दस लोग थे आई थिंक जब साथ में हम जब बचे थे तब तो मेरे को भरोसा होने लगा था कि हाँ मैं जीत सकता हूँ मैं जीत सकता हूँ लेकिन उस टाइम पर फिर मेरे लिए जीतना इतना मायने नहीं रखता था पहले वो चीज मायने रखती थी फिर जीतना उतना मायने नहीं रखता था क्योंकि मैं बहुत कुछ बना चुका था उस टाइम तक मेरे लिए सिर्फ होता आप ठीक है अब मैं जीतू चाहे ना जीतू पर मैं जीत सकता हूँ वो जर्नी जो होती है ना भाई वो आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देती है चाहे की जर्णी जर्णी चाहे की जर्नी हो किसी का इतना लंबा आपका प्रोसेस था और अंत में मैं आज भी, आज आज भी ही सवेरे आपका जो विनर वाला जो मूवमेंट था जब बादशाह देते हैं आपको तो मैं आपको और पैराडॉक्स से दोनों के एक्सप्रेशन देख रहा था कि क्या चल रहा है दोनों के भाई मुझे आप दोनों के एक्सप्रेशन सेम दिखे मुझे जो खुशी आपके चेहरे पे दिखी मुझे वही पैराडॉक्स के चेहरे पे दिखी कोई निराशा नाम की कोई चीज ही नहीं थी क्योंकि शायद आप दोनों ने इस जर्नी में इतना कुछ अचीव कर लिया था लाइफ में कि आपका ऑलरेडी तो तो, बड़ा बड़ा तो। तो जो हमने काम कराया है ना वो बिग हो चुका है अब वो किसी ट्रॉफी का या किसी के सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा काम हो चुका तो फर्क नहीं पड़ता कोई भी जीते और दूसरी बात यार पैराडॉक्स ना जब चौदह पंद्रह साल का था ना तब से जानता हूं मैं उसको अच्छा हाँ वो फरीदाबाद बहुत आता था वो मतलब हमारे बहुत दोस्त है साथ में तो उसको मैंने बहुत पहले से देखा है तो बराबर थी मेरे लिए वो बात या वो जीतता या मैं जीतता हम दोनों के लिए ना बराबर थी कि कोई भी जीते घर आ रही है ट्रॉफी घर सही <laughs> बात सही बात है ऐसा कैसा आता हमारे तो दोस्त है हमारे दोस्त कॉमन है सारे सारे दोस्त कॉमन है हमारे अरे दोस्तों सब यही कह रहे थे यार कोई भी यार, एंड में ऐसी आ गई वो कर रहे हाँ। के भाई, कोई भी अपने हमारे दोस्तों ने जब पहला एपिसोड चला था ना पैराडॉक्स और मेरे लिए वो रखा था प्रॉपर प्रोजेक्टर वगैरह लगा के पहला एपिसोड की भाई असल में अपने दो लौंडे आए हैं ऐसे और मेरे लिए नहीं रहता यार पैराडॉक्स यार छोटा बच्चा था, था जब मैंने उसको पहली बार देखा था रैप करते हुए तो उसमें वो भूख देखी थी मेरे को यार हुँ, हुँ. तो वो था यार मेरे लिए यार वो जीते मैं जीतू हो चुका है गेम सही बात है सही बात है अच्छा भाई एक थोड़ा सा टॉपिक चेंज और बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि आप हरियाणा की आवाज हो इसलिए मैं सवाल इस पूछूंगा आपसे हरियाणवी हॉप का फ्यूचर आपको क्या लगता है कि क्या वो उतना ही बड़ा है जितना पंजाबी हिप हॉप वाले सिर्फ हरियाणा की बात नहीं करूंगा मैं देख रहा हूँ ना मैं मेरा ना दिमाग में फिलहाल नाम नहीं आ रहा honestly. लश्करी नाम है एक लश्करी हाँ लश्करी आजकल तो उसके गाने तो बहुत चल रहे हैं हर जगह उसका रीजन यह है क्योंकि हरियाणा और पंजाब की मेलेडी ना मिलती जुलती है yes. तो वो मेलेडी आर्टिस्ट के मतलब नॉर्मल ऑडियंस के दिमाग में ऑलरेडी फिट है uh. सबकॉन्शियसली वो ऐसा होता भाजी देखो जब हम कोई नई कॉम्पो बनाते हैं ना तो वो लोगों को एकदम पसंद नहीं आती एकदम जल्दी से बट हम जब कोई कॉम्पो वो बनाते हैं जो उनके दिमाग में ऑलरेडी है तो वो हिट करती है एकदम से उसमें पहल, पहला फैक्टर होता, फैक्टर दूसरा फैक्टर होता होता है है दूसरा सुना सुना लग रहा है हाँ, हाँ। वो ना, हाँ। ये फैक्टर्स ना उसको और इंटरेस्टिंग बना देते हैं तो जो हमारी मेलेडीज है ना हमारी मेलेडीज ऑलरेडी कहीं ना कही रह लाइक अब आप देखोगे ये गाना है जैसे आ, क्या नाम है उसको बब, बम बम हाँ। की नहीं बहुत अच्छा। ने राजनीति पता अच्छा। तो है आप बहुत लोगों के कॉन्शियस दिमाग में है हाँ। ये सारी मैलिटीज है तो इसलिए ये फैक्टर अलग है हरियाणा को लेकर वो पंजाबी इंडस्ट्री के बराबर जाएगा ऊंचा भी जा सकता है मुझे नहीं पता बट थिंग इज कि ये फैक्टर है वो लोगों को जो ऑलरेडी किक करने वाला फैक्टर जो है ना कि हाँ ये तो सुना है आपने तो सुना ये आपने इतना तो 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 सही एनालाइज करके आपने बताया ना क्योंकि मैं मेरे को पंजाबी भी नहीं आती मेरे को हरियाणवी भी, भी नहीं आती लेकिन जब मैं हरियाणवी गाना सुनता हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि हाँ भाई पंजाब साइड का कोई गाना है है ना उस साइड का उस साइड का गाना एक ही है एक ही है

इंस्पायर होता है ना कल्चरल एक्सचेंज होता है अब जैसे कोई लड़का अगर वहां आ गया पढ़ाई करने अब वो आएगा तो अपने दोस्तों को भी चार चीजें बताएगा चार गाने भी सुनाएगा फिर बताएगा तो वो चीजें बहुत पहले से शुरू हो गई हैं पंजाब और हरियाणा में बहुत पहले से चल रही है वो चीजें जिसकी वजह से ये होगा ये यही फैक्टर है कल्चर पहले से शेयर हो रहा है इंटरनेशनली कनेक्टेड है ग्लोबली ऑथरेडी कनेक्टेड है बस म्यूजिकली तो कनेक्ट होना हो जाए है सही बात पर नहीं पर। और एक ही बात है और सबसे पहली बात देखी यार ग्लोबली यार अब अभी कुछ दिनों पहले ना दोबारा ड्रेग में सिद्धू पाकी को शाउट आउट किया है हां कुछ दिन पहले तो ग्लोबली ऑन मतलब कनेक्टेड है मेरे को तो तक लग रहा है बस उस लेवल पे होना है यस धीरे-धीरे तो हो जाए भाई मुझे तो ये लगता है मैं मुझे तो मतलब यही उम्मीद थी भाई कि सिद्धू पाजी ही शायद हमारे पहले वो आर्टिस्ट होंगे जिनका बहुत पे गुलाब होने वाला है, कोई और, गुलाब होने वाला है। और क्या पता है, है पारी। यार सब हो रहा है बढ़िया चल रहा है बढ़िया सब बढ़िया चल रहा है एकदम हो जाएगा सब हो जाएगा सब बढ़िया चल रहा है तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ यार सारे रीजनल जितने भी है ना अपने कल्चर को एम्ब्रेस करो अपने कल्चर के बारे में बात करो और शेयर करो लोगों के साथ जो रियल है यार, ही, तो, ही दो सौ तक पहुंचाना बताना होगा अपनी असलियत तो अगर शर्माओ मत बिल्कुल मत शर्मा अपनी बातें पहले, पहले अपने आसपास वालों का अवेयर करो क्या चल रहा है फिर वो चीजें बाहर तक जाएंगी वही बात अच्छा भाई आप थोड़ा चटकीले सवाल पूछे जाए जिसके लिए एक सेकंड मुझे ब्रेक दोगे आप Yes, yes, जरूँ जरूँ। की बैटरी, की बैटरी जा रही है मैं दरख्वास्त ले, ले, ले। तो करना चाहूंगा आई फोन के लिए कौन है मालिक आई फोन के टिमको 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 गया अभी टिमको जी प्लीज इसका बैटरी बैकअप अच्छा बनाई यार <laughs> Yes, तो, तो अप है हाँ, तो भाई भाई चटकीले सवाल पूछ लिए जाए है ना? जिसके, जिसको जनता को सुनने में बहुत मजा आता है तो सबसे yeah. हॉटेस्ट हौट, टॉपिक है क्योंकि आप इस टॉपिक में कहीं बात करते नहीं लिखे मुझे और कैसे ऐसे हो गया जी आपका ओपिनियन क्या है डिस कल्चर को लेके जरा वो बताए आजकल तो एक अच्छी चीज है देखिए आजकल मैंने फिलहाल एक डेढ़ नहीं अभी तो एक डेढ़ साल नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी कुछ टाइम से मैंने देखा है डिशेस बहुत कम हुए हैं है ना लेकिन कुछ लोग अभी भी अपना क्लेम टू फेम में लगे रहते हैं इस चीज से आप थोड़ा बताओ जरा क्या सोचते हो यार मैं ना बहुत सीधा बंदा हुआ और मेरा अगर मानना है ना लाइक हम ना कैसे होते हैं ना हम जो देसी हम थोड़े होते हैं यार बहुत सीधे होते हैं बट अगर बात आ जाए ना ऐसे तो फिर हम अजीब तरीके से बिहेव करते हैं <laughs> तो मेरा एक बार भी चीज को लगे कि डिस्क की आदत नहीं मैं मिलू तेरी चौखट पे yeah. <laughs> <laughs> यार में हट गए तो भाई डिस्क डिस्क अच्छा है मतलब अच्छा है इन देंस दे सीन के लिए काफी अच्छा है आप देखोगे कि बहुत तगड़े तगड़े ट्रैक्स निकलने निकल निकल के आए हैं बाहर डिस्क की वजह से पता है <laughs> लाइक वो एक कॉम्पिटिशन है <laughs> तो वो कोई वैसा नहीं है वो एक कॉम्पिटिशन है यार कॉम्पिटिशन होता है सिंपल कॉम्पिटिशन यार तू कर रहा है मैं करके दिखाता हूँ देख मैं तेरे से बड़ा हूँ कैसे पढ़ाओ मेरे वर्ड्स देख ले, मेरा देख किस तरीके से मैंने ये लिखा है वो सो so, मेरे को वहां तक तक लगता है कि जहां तक अपनी कला तुम दिखा रहे हो अच्छे तरीके से लेकिन जहां पे तुम गाली गलोच कर उतर आए जहां पे तुम पर्सनली वहां जा रहे हो ना फैमिली में वहां मेरे को थोड़ा मतलब वो लगता है कि इतना नहीं जाना चाहिए क्योंकि फैमिली वालों क्यों को क्यों इंडल करना है मान के चलो अब मान के चलो मैं एक चीज बताता हूँ मेरा कोई छोटा भाई है वो रैप करता है ठीक है और छोटे भाई को किसी ने डिस कर दिया छोटे भाई ने उसको डिस कर दिया पर उसने गाली दे दी मेरी फैमिली के बारे में मेरा कुछ लेना देना नहीं है डिस से पर मैं जाके उसे कूट दू कल को सही बात है, तो है।, है खराब करती है सीन को मतलब मेरे हिसाब से यार ये थोड़ा पर्सनल चीजें गाली गलोच और इन चीजों पर ना जाए क्योंकि एक ना एक चीज होती है अगर तुम्हें कुछ चीज पता है ना उसके बारे में जो जो सिर्फ तुम्हें पता है और वो वो तुम्हें पता है कि अगर मैं लीक कर दूंगा तो उसका करियर बर्बाद कर सकती है मत करो यार तो मैं अगर उसने बताई है वो चीज क्या पता कुछ भरोसा करके बताइए मत करो मत चाहे चाहे मैं किसी का दुश्मन बन जाऊ भाई मतलब ऑनेस्टली चाहे मैं किसी का दुश्मन बन जाऊं पर अगर उसके बारे में मुझे कुछ ऐसी चीज बता मैं नहीं जो मुझे पता मैं नहीं बताऊंगा भाई एक उसूल नाम की चीज होती है अपने उसूल रखो कि भाई हमारे उसूल ये है कि जिस, जिस टॉपिक के बारे में जिस वजह से बात खराब हुई है हम सिर्फ उसी वजह को डिस्कस कर लेंगे बस

आप तो एंटरटेनमेंट करा रहे हो ना जनता का देखो मैं आपको एक चीज बताऊँ जनता के बारे में भी, यार, आज भी सबसे ड्रामा क्यों चलता है इंडिया। जो जो सेट सेट बोल रहा वो आज भी क्यों ज्यादा चलते हैं इसी वजह से ज्यादा चलते इंडिया में मजा ही इस चीज अगर पड़ोस में लड़ाई हो रही है तो घर से बाहर निकल के देखना है क्या कर

तो छोड़ने लगे है वो क्योंकि अब उनका बेटा कुछ कर रहा है तो, मैं तो वो पॉपेगा और लोगों की भी नजर रखनी है और लोग क्या करते हैं तो मैं नहीं चाहता उनकी नजर में कोई ऐसा ऐसा ट्रैक जाए जाए या आर्टिस्ट जो गाली गलोज करता जो बहुत बुरा बुरा बोलता हो किसी भी चीज के बारे में मैं नहीं चाहता चाहता मतलब क्योंकि आपके पापा फिर सीधे कहेंगे कि यार तुम्हारे गेम में ये होता है तुम्हारे तुम जो कर रहे हो उसमें ये होता है फिर आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं वो ये वो सही बात है और आप तो फिर भी इस लेवल पे आगे हो जो यंग बच्चे जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके पापा क्या होगा उनके मम्मी पापा तो सा, साफ बोल देंगे वो तो कि नहीं ये भी करना नहीं, बोर करना नहीं। बोर क्या उनके ये तो वो, उनके लिए तो वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे कोई बच्चा सिगरेट पीता है ना गलत बात है सिगरेट पीते है गेम वही राप ना करो वहाँ पे गाली गलौज बहुत होता है और गन होती है मैं बस यही चाहता हूँ कि पर्सनली ये चीज ना हो कल्चर के लिए तो कल्चर को क्लीन रखे सेफ रखे तो अच्छा रहेगा मतलब

तो आप डेवलपमेंट देखो भाई और वो लड़कियां भी जो थी वो रूर, रूरल रूरल साइड की थी अर्बन साइड की नहीं थी तो ये, ये ये तो बहुत लोग ना ये भूल जाते हैं और लोग पूरी क्लिप नहीं देख रहे कि मैंने वो बोला मजाक में बहुत बहुत ही रियल मजाक में बोला एकदम से क्योंकि हम हरियाणा के भाई हमको मजाक करने की आदत है

इसमें फैंस को बुरा मानने की बात नहीं एक आदमी ने बताया भाई मेरी मेरी प्लेलिस्ट में नहीं है सीधी सी बात बस ये है ना सुनता हो तो इसका मतलब ये थोड़ी बोलना कि नहीं एमसी स्क्वायर बकवास गाने बनाता है वो अलग चीजें भाई मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि कई है कई लोग है जो जिनको शायद मेरे गाने जिनने सुना हो एक बार

वो अब इक्का दुक्का गाने सुनने लगे है बाकी मेरे घर में नहीं सुनते वो वो तो वो तो मेरे को बोल देते क्या क्या बना रहा है सा बोल 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 रहा है आराम से ले वो मेरे को अभी भी देते सही <laughs> <बाद। laughs> तो दे, दे okay, ना कोई बात बोली तो कैसे बोली थी

मुझे बिल्कुल पंजाबी होती है उनकी भाई मुझे कुछ नहीं समझ आती थी फिर मेरे को लगा कि नहीं भाई मुझे इनको करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या लेकिन मैं भी तो नहीं सुनता था तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे, नहीं थे। ना, ये जैसे, अब जैसे कई लोग हैं कई लोग हैं जो जो बोलते हैं मेरे से पर्सनली एमसी स्टैन क्या करता है बहुत प्यारा बहुत बार गाना हुआ। बहुत गाना, बहुत गाना मैं इन गानों को सुनता हूँ बहुत ज्यादा और मेरे को अच्छा लगता है एमसी सी टैन मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा लगता है बस एमसी स्टैन भाई वो बढ़िया कर रहा है बढ़िया कर रहा है वो अपने घर पे दो रोटी खिला रहा है अपनी माँ को अपने बाप को और क्या चाहिए भाई भाई वो कहा से उठ के कहा आया प्लस वो जैसे जैसे आप बोलते हो कि रियल रहना है, है उसने कभी कभी अपनी रियलनेस छोड़ी ही नहीं। वो कभी बदला ही नहीं नहीं वो बदला कितना भी बंदा अभी भी मतलब वो बंदा ना यार उसका एक अपना स्टाइल है रियल रहने का वो उस हाँ। तरीके से रियल है तो इससे बड़ी बात कोई है नहीं यार वो अगर रियल है तो इससे बड़ी बात क्या है मैं तो एमसी को सुनता भाई जो बोलते हैं लोग की मैं नहीं सुनना चाहता है मैं सुनता हूँ भाई एमसी स्टैन को

या आपको पसंद okay, है तो मेरे टॉप यार मैं, मैं देता यारेटेड जनता के हिसाब से टॉप फाइव कौन है उनके टॉप फाइव फेवरेट यस हूँ आज के बताइएगा पुराना नहीं आज के बताइएगा अच्छा आज के आज के मेरी प्ले लिस्ट में सबसे ऊपर तो सिद्धू बाजी है दोसनतों,

अब सत्रह के बाद एक करना पाजी को मैं काफी सुन अच्छा ठीक है सही है ये लगा दो मेरे टॉप फाइव मतलब यही है फिलहाल के टाइम पे मेरे टॉप फाइव यही अच्छा पाजी करना हौसला पाजी सीधे मौत ऐप सत्रह और कृष्णा On, तो क्या तो, 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 तो। क्या वेरिएशन है लेकिन सब में एक चीज कॉमन है कि वो भी रियल बातें ही करते हैं जो उनकी लाइफ में हो रहा है एग्जैक्ट वही बातें करते हैं ये लोग क्यों, क्योंकि अगर आप पुराने गाने सुनो तब वो उस जमाने की बातें करते थे फिर जब वो ग्रो कर गए तो इस जमाने की बात कर रहे हैं वो चीज नहीं बदली इनमें ऑनेस्टी नहीं बदली गानों में यार आयुष का स्टाइल भाई मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है आजकल मैं इतना सुन रहा हूँ मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ अरे बहुत बहुत बढ़िया उसके उसके वो वो जो 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 उसके लाता है उनके बीच के जो कॉमन स्लैक like, वो बहुत बढ़िया लगते मेरे को सुनने में रूट व्हाट यूज कर रहा हूँ सही है बहुत सही है फॉर व्हाट आ द और अब <laughs> आपका आपका ड्रीम कोलैब एक बाहर का ए, इंडिया जितने बताने बता दो बाहर के भी बता दो इंडिया के भी बता दो आप जो ड्रीम है कि यार ये हो जाए ना तो मुझे लगेगा कि अब आया मजा मुझे यार। लाइक uh, like, मैं हिपहॉप आर्टिस्ट भी बताऊँ या फिर कोई भी बता सकता हूँ मैं चाहता हूँ की आप हिपहॉप बताए है ना क्योंकि बड़ी इंडिया से कोई एक बताऊँ तो मैं औजला की राइटिंग ड्रीम को लेब है इंडिया लाइक ऑब्वियसली सिद्धू पाजी मेरे लिए ड्रीम को लैब बट अब कुछ हुआ है मतलब वही है यार नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं है

फ्यूचरिस्टिक टाइप की भी यस यस डिफरेंट डिफरेंट पूरा डिफरेंट म्यूजिक बनाया उन्होंने इस बार पूरा डिफरेंट पूरा एक किने क्या काम करा यार एक मेरे को बहुत तगड़ा सही है सही है उसके बहुत तगड़ा एक के साथ काम करना यार वो भी टाइम करते हैं यस यस भाई ठीक है शुभ वो गाना ना बॉलर हां उसमें टॉप की बीट बनाई है यार भाई इक्की और कुछ पंजाबी प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो पंजाबी म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई कि मैं उनको कंपेयर करता हूँ दुनिया के प्रोड्यूसर्स में दे आर नॉट की डी वाली लेवल का या लेवल लेवल कुछ नहीं लेकिन उनका टेस्ट जो भी वो बना रहे हैं वो पूरी दुनिया के उसको रापर बिठा के उसको पर गाने बना सकते हैं ऐसी वीडियो बनाते हैं और और एक जो मैं भारतीय को बताऊंगा जेकोल जेकोल फॉर लाइफ Cool <laughs> <laughs> no <laughs> उसपे तो like, like तो, उस अगर चले भी जाए ना so like uh, yeah, yeah. लाइक इज yeah. आर्टिस्ट आर्टिस्ट तो, yes. मतलब गोल ना पर्सनली मेरे को इंसान भी बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है भाई उसके देखो ना वो जो जो कर रहा है जिंदगी में दारू छोड़ दी फ्लेक्स करना छोड़ दिया सब छोड़ दिया ग्राउंडेड हो गया और प्लस भाई कोल का थोड़ा ऐसा लगता है मेरा जो पर्सनल है की मैंने पहले कोल को सुना था फिर कैंड्रिक को सुना था तो वो मैंने वो मैंने पहले था को सुना था अच्छा मैंने पहले कैंड्रिक को सुना था

मैं अलग ही चला जाता हूँ जब मैं उनका उनको सुनता हूँ ना मैं मैं अलग ही लेवल पे चला जाता हूँ कहीं मैं अलग दुनिया में चला रहा। मैं मैं हुसला गाना सुना पहुंच गया मैं। अरे भाई भाई जब गुलाल अलग ही दुनिया बन गई मेरे भाई जब गु... जब गुलाल मूवी आई थी भाई मैं नॉन स्टॉप लाइक मुझे थोड़ा इंसोमिया भी चल रहा था मैं रात भर बैठ के खाली गुलाल के गाने सुन रहा हूँ नॉन स्टॉप और मुझे लग रहा है उस बंदे की आवाज और उसकी एक एक लिखाई बाप रे कुछ नेक्स्ट लेवल और पता कुछ दिनों पहले मैं उनके उसमें गया था क्या नाम है, अच्छा। है, ना। अच्छा, अच्छा। है तो मुंबई में कुछ दिनों पहले ही था अभी कल परसों था आई थिंक अच्छा सुबह गया था वो वो है मेरे लिए उसमें कुछ ऐसी बातचीत करनी है कि वाह वो जो लिखते हैं ना वो एक अलग तरीके से लिखते हैं यार मतलब जैसे तो कि भाई मेरे को बताओ घर से मैसेज आ रहा है हिमांशु का कि भाई बाल ठीक कर ले <laughs> <laughs> देख लो ये है एम स्क्वायर भाई ठीक है जो है सब मुंह पे है ठीक है आधे आधे लोग तो मैसेज वो कर रहे हैं अच्छा ठीक है एक सेकंड करते हैं ये भाई ना बोल दिया ये आया वैसे मेरे पास <laughs> नहीं नहीं भाई कोई नहीं आप जैसे आप हमको वैसे ही पसंद हो बहुत बढ़िया और

आ... से मैं लोगों कहना चाहता हूँ उनको बोलनाग्राम चलाते भी होंगे हाँ, तो मैं चाहता वो मेरे से बात करे और देखे की मैं क्या बात करूँ और अगर उनका मन करता है तो ऐसा था आपने एक चीज है है आप एक चीज बोलते हैं आपने कोल के बारे में भी ये चीज बोली थी अब आप पीयूष मिश्रा के बारे में भी ये चीज बोल रहे हो और जब आप ये चीज बोल रहे थे तब भाई मुझे लगा कि यार ये पहला आदमी मुझे मिला है जो वो बात करता है जो मैं करता हूँ कि भाई मेरे को पता है क्या मन करता है मेरे को जो लोग मुझे बहुत ऐसे पसंद होते हैं आर्टिस्ट मुझे उनसे मन करता है कि यार मैं खाली उनसे बैठ के बात मतलब वो, इंटरव्यू वो इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं चाहिए एक ऑफ द कैमरा वो मुझे अपनी जिंदगी का दस मिनट दे हैं मेरे कुछ सवाल है मैं उनसे वो सवाल खाली पूछ लू कि आप मुझे इस पे थोड़ा ज्ञान दे दो तो ये चीज मैंने आपने देखी कि आप बड़ा वो चाहते हो कि इंसान को समझने की आप में बड़ा वो है कि क्या चलता है उसमें नहीं। नहीं। अगर कॉल को, के साथ ड्रीम रह जाए तो इट्स ओके बट उनके साथ बात करने को मिल जाए यार वो जो बात करते हैं ना वो चीजें करने को मिल जाए कि जा यार बात क्या कल्चर शेयर करे बात करें आप उसमें कि यार हाँ ये चीज है ये चीज है ये मेरे मेरे यहाँ पे इस तरीके से होती है आपके यहाँ पे इस तरीके से होती है चीजें चीज ऐसी पीयूष मिश्रा जी ना बहुत फैसिनेटिंग लगती है यार मेरे को जब वो परफॉर्म भी कर रहे थे ना तो मैं उन्हें देख रहा था ऐसे तो जब वो परफॉर्म करने से पहले ना अपना एक मैंने जो नोट करी है वो मूड बनाते हैं कुछ ऐपे ऊपर देख और मैं वहां सोच रहा हूँ कि वो ना वहां जा रहे है उस डायमेंशन में जा रहे है जहां उन्होंने वो गाना लिखा है जिसके बारे में वो बात करने जा रहे जाने वाले हैं गाने तो मैं देख रहा हूँ यार वो ऐसे मूड बनाते हैं

Phenomenal यार कोई जैसा है गाना है। मतलब वो उसमें डार्क भी, उसमें तुम्हें दुनिया का सारा भी दिख जाएगा उसमें तुम्हें तुम्हें दुनिया के सारे फूल भी एक ही लाइन में दिख जाएंगे कुछ तो उनका अलग चलता है, वो, तो है। अब वो गाना है एक तो बगल में चांद होगा बहुत और ऊपर तो उनकी आवाज उनकी आवाज राइट भाई आखिरी 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 सेक्शन हमारी कॉन्वर्जेशन का अपने फैंस को अपने फैंस को प्लीज थोड़ा अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बताइए एंड आपको जो भी उनसे कहना वो वो तो राम राम है ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो आप सिर्फ आप सोच भी नहीं सकते एक एवोल्यूशन है मेरे लिए खुद के लिए आप वो एम सी स्क्वायर देखने वाले हो की जिनके नालों पे आप झूमोगे भी आप ड्रीम में भी जाओगे आप नाचोगे भी और आप खुद गाओगे भी साथ में मतलब समझ रहे हो ये चीजें होने वाली लाइक ट्रू कल्चर रिप्रेजेंट होने वाला है आपके सामने और पहला गाना आपके सामने आई चुका कैसा लगा बताना यार यहाँ पे कमेंट करके और बाकी गानों का जस्ट वेट एंड वॉच क्योंकि सारे गाने टॉप से टॉप होने वाले हैं मेरे जो कल्चर है उससे जुड़ी बातें करने वाले मेरे खुद के पर्सनल लाइफ क्या है उसके बारे में बातें करने वाले मेरे आने वाले गाने सो so स्टेट भाई भाई ऑल ऑल द द बेस्ट बेस्ट आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एंड एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा ये ऑफ द कैमरा बोलनी चाहिए लेकिन मैं ऑन द कैमरा बोलूंगा आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है ना भगवान आपकी एनर्जी ऐसे ही मेंटेन रखे और यही यही एनर्जी आपके गानों में आती है जिसकी वजह से आपके गाने सबको पसंद आते हैं ठीक है थीके? थाँग आप आपके गानों में इतनी सीरियसनेस से लेकर वो फ्लोटीनेस भी दिख जाएगी आपका शहर भी दिख जाएगा और वो बाहर के जो आप शब्द इस्तेमाल करते हो वो सब दिख जाते हैं वो सिर्फ इसलिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपने अपनी सोल पे अभी भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है हमेशा <laughs> स्माइल करते रहिए और अपने गानों में अपनी आत्मा को डालते रहिए हम लोग को बहुत मजा आता है आपको सुनने में थैंक यू सो मच बाकी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मजा आया आपसे बात करके ना मतलब <laughs> भी भी ना लेना कोई है ना <laughs> सी, सीधी सी बात कर रहा हूँ आप, जो जो आप हो जैसे हो, तो बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम मुझे वो चीज ऐसे एक्सपीरियंस हुई है की एक आदमी बिल्कुल ही खुल के बात कर रहा है ठीक है बिल्कुल की हाँ ठीक है यार जो होता है सो होता है दो लोग बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे thank you very much for that bye thank, thank you so much thank you bye thank you